हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामेंटो। एग्जामेंटो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये है 2018 का। आप यहाँ पर देख सकते हो 14/11/2018 का, ठीक है। और इसमें टोटल 170 क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर एग्ज़ाम हुई थी। तो इसमें आप वन बाय वन करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप एक बार इसको गो थ्रू करते हैं तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर मैं पहला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हो, फॉर ए डीजल जनरेटिंग स्टेशन द यूजफुल लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी, मतलब जो जनरेटिंग स्टेशन डीजल बेस्ड है, मतलब उसमें डीजल जनरेटर लगा हुआ है, तो उसकी लाइफ कितनी होती है, 15-20 ईयर्स। और जो दोस्तों, जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं, जैसे एनटीपीसी जो प्लांट लगाती है, थर्मल जो कोल बेस्ड पावर प्लांट रहता है, उसकी लाइफ जो है दोस्तों, उसका अप्रोक्स 50-75 ईयर्स रहता है। उसके बाद दोस्तों, अभी जो है, जैसे कि अगर आप सोलर प्लांट लगा रहे हो, तो सोलर की लाइफ जो है दोस्तों, 20-35 ईयर्स रहता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, द फ्लिकर इफेक्ट ऑफ फ्लोरेसेंट लैंप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट, हमेशा लोअर फ्रिक्वेंसी पे होता है दोस्तों। क्या होता है? लोअर फ्रिक्वेंसी पे। व्हाट इज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम? दोस्तों, जो ट्रैक्शन सिस्टम होता है, जो रेलवे का होता है, वो थ्री फेज सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम अगर करेंगे, तो थ्री फेज सिस्टम में फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 50 हर्ज होता है। अगर उसको सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम पर चलाएंगे तो 50/3, तो आपका जो आंसर होगा 16.67 हो जाएगा इसका। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? एचजेड, हजर्ड। इंसुलेटर आर मेड ऑफ व्हिच मटेरियल? जो इंसुलेटर होता है दोस्तों, वो बना होता है किसका? पोर्सिलिन का। पोर्सिलिन का इंसुलेटर बना होता है। और ये तो इंसुलेटर हो गया जो पोर्सिलिन का बना होता है, और इंसुलेटिंग मटेरियल पोर्सिलिन भी है, रबर भी है, ग्लास भी है, और स्टायरोफोम भी है, ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है, इंसुलेटर्स आर मेड ऑफ व्हिच मटेरियल? पोर्सिलिन का बना होता है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, इफ सैग ऑन ए ट्रांसमिशन इज इंक्रीज द टेंशन। तो दोस्तों, सैग जो होता है, सैग SAG सैग इक्वल टू होता है ओमेगा L² / 80। तो आप देख सकते हो T डिनोट करता है टेंशन को, तो ट्रांसमिशन लाइन का क्या बोल रहा है, सैग इंक्रीज कर रहा है। सैग कब इंक्रीज करेगा? जब टेंशन डिक्रीज होगा। तो इस तरह से इस पर आप देख सकते हो, सैग इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अगर यहाँ पे रहता है इफ सैग इज ऑन ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिक्रीज, तो टेंशन क्या होता है? आंसर इंक्रीज। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, ए सेंक्रोनस कंडेंसर इज यूजुअली ए, सेंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है? यूजुअली ए ओवर एक्साइटेड सेंक्रोनस मोटर, और हमेशा क्या नो लोड पे चलता है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, द सेनोसोइडल करेंट आर गिवन बाय द, तो यहाँ पे देख दोस्तों, देख सकते हो, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग को विजिबल ज़्यादा रहेगा। पूछ रहा है सेनोसोइडल करेंट आर गिवन बाय, दो करेंट देगा, I2 10 sin ω t π/3 और 15 sin। तो दोस्तों, इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो, आप ये देख लो कि ये क्या, ये साइन फॉर्म यहाँ भी दिया है और यहाँ भी साइन में दिया है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि π/3 है। π/3 मतलब 60 डिग्री, और π/4 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव में दिया है, तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, सपोज करो ये ओरिजिन है, ओ है, तो यहाँ से कितना π/3 कितना आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 60 डिग्री, और माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर माइनस एंगल लेते हैं, माइनस अगर मैं इधर ले लूँ, इधर क्या आएगा, 45 आएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा इस बीच का, 60+45 फेज कितना हो जाएगा, 105। उसके बाद दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी
आइडेंटिकल फॉर टू अल्टरनेटिंग करेंट इन पैरेलल, नहीं टू अल्टरनेटर रनिंग इन पैरेलल। तो जो भी अगर दो अल्टरनेटर पैरेलल में रन करता है तो क्या होना चाहिए, फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम। ठीक है, उसका फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम या पोलैरिटी मस्ट बी सेम, फेज सीक्वेंस या पोलैरिटी मस्ट बी सेम। अगर इस यहाँ पे पोलैरिटी भी पूछ सकता था। ठीक है दोस्तों, नाइन्थ क्वेश्चन है द कनेक्टेड लोड ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर इज, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर होता है हम लोग जो घर में यूज करते हैं दोस्तों, तो मिनिमम 5 किलोवाट लोड रहता है। 40 किलोवाट तो बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों, 5 किलोवाट लोड मोर देन एनफ है हम लोग के लिए जो हम लोग घर में यूज करते हैं। दसवां क्वेश्चन है हे ब्रिज इज यूज टू मीजर एन इंडक्टेंस ऑफ वेरी हाई क्यू वैल्यू। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई मीजर करते हैं किससे, हेज ब्रिज से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 11 में है ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग एज द थिकनेस ऑफ मेटल टू बी वेल्डेड इंक्रीज। मतलब जैसे मान के चलो अगर आर्क वेल्डिंग कर रहे हो, जैसे क्या है कि एक क्या है ये मेटल है, ठीक है एक ये मेटल है एक दूसरा मेटल, ये दोनों को वेल्ड करना है। ठीक है, थिकनेस ऑफ मेटल टू बी वेल्डेड, अब इस बीच का थिकनेस हमको इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आर्क वेल्डिंग में करंट ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो करंट शुड इंक्रीज विथ वोल्टेज रिमेनिंग द सेम। करंट हमेशा क्या होगा, जितना ज़्यादा थिकनेस को हम वेल्ड करेंगे उतना ज़्यादा करंट लेगा, और वोल्टेज तो क्या होगा हमेशा सेम रहेगा। और दोस्तों जो जितने भी वेल्डिंग के इक्विपमेंट होते हैं उसमें हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन आता भी है हम लोग वेल्डिंग में किस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, क्योंकि मुझे मतलब वेल्डिंग करने के लिए करंट की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्वेल्थ में है व्हिच ऑफ द वैल्यू स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे देख सकते हो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम इज नोन एज नॉर्टन थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम जो है कन्वर्स है किसका, नॉर्टन थ्योरम का, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, पहला ऑप्शन क्या था, सुपर मेश इज डिफाइन एज द कम्बिनेशन ऑफ टू मेश, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद चलें 13 क्वेश्चन, बंडल कंडक्टर आर यूज टू, देखिए बंडल कंडक्टर जो है क्या करने के लिए यूज करते हैं, कोरोना लॉस को कम करने के लिए हम लोग मोस्टली ये ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना लॉस को कम करने के लिए बंडल कंडक्टर का यूज़ करते हैं। बंडल कंडक्टर मतलब दोस्तों होता है कि जैसे मान के चलो अगर हमको पावर यहाँ से लेके यहाँ ले जाना है, ठीक है, तो बंडल कंडक्टर जैसे कि मान के चलो आपको 11 केवी ले जाना है पावर वोल्टेज, ठीक है सपोज करो, तो आप एक कंडक्टर के थ्रू भेज सकते हैं। अगर आपको 132 या 400 केवी ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बंडल मतलब एक कंडक्टर के जगह एक फेज में 4 कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं एक फेज के लिए, फिर ये एक फेज हो गया आर, फिर वाई के लिए 4, फिर बी का वाई, तो ये 4 कंडक्टर मिला के एक कंडक्टर हो जाता है, उसको बंडल कंडक्टर बोलते हैं। इससे क्या होता है कि ओवरऑल इंडक्टेंस भी कम होता है दोस्तों, ठीक है, और कोरोना लॉस बहुत कम हो जाता है, रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोलिंग मिल इज फ्लक्चुएट वाइडली विद इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये सही आंसर है। ये दोस्तों 15 क्वेश्चन आप देख सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये KCL पे आधारित क्वेश्चन है। KCL में क्या बोलता है कि इनकमिंग करंट जितना भी है, इनकमिंग करंट ठीक है और आउटगोइंग करंट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। उस तरह भी कर सकते हो, इनकमिंग करंट कितना है I1, ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग है, और I1 प्लस I4 इनकमिंग है इक्वल टू आउटगोइंग क्या है, I2 प्लस I3 प्लस I5। यहाँ से आप देख सकते हो हमको निकालना क्या है, I4 निकालना है दोस्तों, तो I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 उधर चल जाएगा, तो क्या होगा I2 प्लस I3 प्लस I5 माइनस I1, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। 16 क्वेश्चन है डायोड विल वर्क सेटिस्फैक्ट्री इन, तो डायोड क्या, डायोड जो है हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करता है दोस्तों, इस फर्स्ट में, ठीक है। Which type of impurity is to be added to pure semiconductor to get an N-type semiconductor? तो N-type हो या P-type हो, हम N-type semiconductor में आपको pentavalent,
क्या करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी की आवश्यकता पड़ती है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। अगर एन के जगह यहाँ अगर यहाँ पी टाइप रहता दोस्तों, तो आप इसको ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी मारते, लेकिन यहाँ पे क्या है एन टाइप है, तो एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बेरियम, बिस्मथ, आर्सेनिक, ये सब पेंटावेलेंट है। 18 का द कंबाइन इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, कंबाइन इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल कनेक्टेड इन सीरीज 0.6 हेनरी या 0.1 हेनरी, डिपेंड ऑन द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द करेंट इन द क्वाइल। इफ वन ऑफ द क्वाइल व्हेन आइसोलेट हैज ए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 0.2 हेनरी, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 0.6 हेनरी है, मतलब इसका मतलब है क्वाइल जो है टू क्वाइल है, एडिटिव इन नेचर है, मतलब एडिटिव है। एडिटिव क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जब भी हम एल इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं, एल इक्विवेलेंट हम लोग लिखते हैं L1 प्लस L2 प्लस 2M। अगर सब्सट्रैक्टिव होगा तो एल इक्विवेलेंट क्या होगा, L1 प्लस L2 माइनस 2M। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो 0.6 दिया है, 0.6 किस केस में आएगा, एल इक्विवेलेंट इसमें आएगा तो एडिटिव है, इसका मतलब है कि 0.6 एल इक्विवेलेंट यहाँ पे हो गया है 0.6, और एक इंडक्टेंस दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द क्वाइल व्हेन आइसोलेट हैज ए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 0.2, आपका एक 0.2 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद L2 प्लस 2M हो गया, तो यहाँ से आप L2 प्लस 2M एक हो जाएगा, यहाँ भी L2 प्लस 2M इक्वल टू L इक्विवेलेंट, यहाँ पे 0.1 हेनरी आ जाएगा, 0.1, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या L1 की जगह जो भी है वो माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना 0.2। तो यहाँ से L2 इसमें भी है, M इसमें भी है, L2M इसमें भी है, तो यहाँ से आप M का वैल्यू निकाल सकते हो, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा मिटा लूँ इसको दोस्तों। अब दोस्तों ये 19, ठीक है, 19 का है, इन ए फोर पोल इंडक्शन मोटर रोटर स्पीड इज 1400 RPM, व्हाट विल बी द एयर गैप फील्ड स्पीड। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट विल बी द एयर गैप फील्ड स्पीड, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्पीड होगी। तो ये हमेशा दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, तो सिंक्रोनस स्पीड पे ही चलेगा। एन एस इक्वल टू क्या होता है 120 F/P, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी नहीं दिया था, फ्रीक्वेंसी आपको 50 ले लेना है, तो 120 एफ कितना हो जाएगा, 50 / P कितना है 4 है, पोल दिया हुआ है, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1500 RPM। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 का, द सोर्स VD इज द गिवन वैल्यू ऑफ सर्किट इज क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो VD है, VD इक्वल टू क्या है RIC। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे IC वोल्टेज क्या है 0 है, तो मतलब ये शॉर्ट है, इसलिए एक करंट IC फ्लो कर रहा है, लेकिन इस सर्किट के बारे में बोल रहा है, तो ये वोल्टेज सोर्स है, VD मतलब वोल्टेज सोर्स है, लेकिन वोल्टेज सोर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, करंट कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। आप देख सकते हो VD क्या होता है, वोल्टेज सोर्स होता है, लेकिन करंट अगर यहाँ पे करंट बढ़ेगा घटेगा तो उसी अनुसार वोल्टेज जो है बढ़ेगा घटेगा, इसलिए करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होगा। 21 का है, इन इल्यूमिनेशन व्हाट इज लैंप इफिशेंसी रिप्रेजेंटेड इन। लैंप इफिशेंसी जब भी होता है दोस्तों ल्यूमन पर वाट होता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आता है इल्यूमिनेंस से, इसलिए इसको इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आती है एग्जाम में। विच वन ऑफ द वेलो इज अ पारा मैग्नेटिक मटेरियल, पारा मैग्नेटिक मटेरियल जो है दोस्तों यहाँ पे मैग्नीशियम है, इसमें भी आप देख लीजिएगा कितने टाइप के मटेरियल होते हैं, जैसे डायमैग्नेटिक, पारा मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो उस डायमैग्नेटिक में क्या क्या आता है, फिर पारा मैग्नेटिक में क्या क्या आता है,
फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या क्या आता है, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे कॉपर क्या है, कॉपर क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन सिल्वर क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। उसके बाद दोस्तों 23, द अप्रोक्सीमेट टॉर्क एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू ए पुल आउट टॉर्क इन ए प्रैक्टिकल सिंक्रोनस मोटर कितना होता है, 75 डिग्री। फाइंड द करेंट इन द एलिमेंट व्हेन द चार्ज इंटरिंग द एलिमेंट इज QT। तो दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, I इक्वल टू क्या होता है, dQ/dt। तो यहाँ पे Q दिया हुआ कितना है, d 10e⁻¹⁰ t/dt। तो आप यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 10e⁻¹⁰ है, तो e⁻¹⁰ अगुना क्या हो जाएगा, −t/t, तो −1 हो जाएगा, इसलिए −10e⁻¹⁰। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, −10e⁻¹⁰। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से आप आराम से इसको बना सकते हो, बस आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आपको I=dQ/dt आपको पता ही है। 25 का क्वेश्चन है, इन एन अल्टरनेटर इफ द वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच बाय 60 इलेक्ट्रिकल डिग्री, द पिच फैक्टर, पिच फैक्टर क्या होता है दोस्तों, एक तो पिच फैक्टर होता है, एक होता है दोस्तों पिच फैक्टर को ही क्वालिस्मेन फैक्टर भी बोलते हैं। तो पिच फैक्टर जो होता है, अगर पिच फैक्टर पूछेगा एग्जाम में, पिच फैक्टर इक्वल टू cos α/2, अल्फा आपको दिया हुआ 60 डिग्री, तो cos 60/2 मतलब cos 30, cos 30 का मान क्या होगा, √3/2, √3/2 को सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.866। 26 क्वेश्चन है, फाइंड द करेंट I1 I2 हुज रिलेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर गिवेन एज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 27 है, विच गैस कैन बी फिल्ड इन GLS लैम्प। GLS लैम्प में हमेशा कोई भी इनर्ट गैस डालते हैं, मोस्टली आर्गन, ठीक है, GLS लैम्प। 28, ये 4-pole 50 hertz इंडक्शन मोटर है, जैसे स्लिप ऑफ 0.5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका स्लिप दिया हुआ, स्लिप कितना है, 0.5, ठीक है, आपको रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पूछा है, तो क्या हो जाएगा, s दिया हुआ था, FR=, क्या होता है, s × f, स्लिप दिया हुआ 0.5, फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 आपको दिया हुआ, 50 × 0.5 कितना हो जाएगा, 25, तो आंसर क्या होगा, 25, आपको बस ये याद रखना पड़ेगा, FR=, क्या होता है, s slip × frequency, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, स्लिप भी दिया हुआ है। 29 क्वेश्चन है, पुल आउट टॉर्क ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर अकर एट द वैल्यू ऑफ स्लिप, वेयर रोटर पावर फैक्टर कितना होता है, मतलब 45, मतलब जो टॉर्क एंगल है, टॉर्क एंगल अगर कुछ भी Δ = टॉर्क एंगल मान लेते हैं, 45 डिग्री होता है, तो cos 45 क्या होगा, 1/√2, 1/√2 का मतलब 1/1.414, इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, 0.707। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 30 क्वेश्चन है, ए 60 वाट बल्ब इन सीरीज विथ ए रूम हीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द मेंस, व्हाट विल बी द हैपन इफ द 60 वाट बल्ब इज रिप्लेस बाय 100 वाट बल्ब। तो दोस्तों क्या होगा, हीटर आउटपुट विल डिक्रीज इंक्रीज सॉरी हीटर आउटपुट विल इंक्रीज बिकॉज क्या होगा दोस्तों, सीरीज में कनेक्टेड है, तो पहले तो जैसे कि 60 वाट है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, फिर 100 वाट का रेजिस्टेंस क्या होगा, इस दोनों से कंपेयर करेंगे, क्योंकि सीरीज में सर्किट है, करंट हमेशा सेम फॉलो करेगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो क्या होगा, ज़्यादा हीटिंग मतलब हीट करेगा, उस अनुसार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हीटर आउटपुट विल इंक्रीज। 31, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट क्यूरी पॉइंट इज करेक्ट। तो इट इज़ ए टेम्परेचर अबव व्हिच सर्टेन मटेरियल लूज देयर परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर मेटल कंडक्टर। ये आरके राजपूत से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है दोस्तों, आरके राजपूत एक बुक है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल का, देखिए वो क्वेश्चन उसी में है, ये भी क्वेश्चन उसी में है। इन केस ऑफ इंडक्शन हीटिंग द डिप्थ अप टू विच द करेंट विल पेनेट्रेट टू प्रोफेशनल टू 1/√f। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों।
उसके बाद यहाँ पर व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन आई एंड आर इन द फॉलोइंग सर्किट, अगर आपको एक नेटवर्क का क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप देखो आई इधर जा रहा 2 एम्पीयर, तो इसका मतलब इधर कुछ करंट जा रहा होगा, कितना जाएगा 2 माइनस आई, उस अनुसार से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 35। द मेन पार्ट ऑफ CRO इज, मेन पार्ट CRO क्या है, CRT है, कैथोड रे ट्यूब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CRO, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। इस टॉपिक को भी आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इस पर एक नोट प्रिपेयर कर लीजिए। 36 है द पोलर फॉर्म ऑफ वेक्टर, दिया हुआ है 20 60, तो इसका मतलब इसका क्या होता है दोस्तों, अगर इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, 20 cos 60 प्लस जे 20 sin 60, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 10 + j 17.33। रिलक्टेंस ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट, डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों, रिलक्टेंस जो होता है L/μ0μrA, डायरेक्ट फॉर्मूला, बेस्ट क्वेश्चन है। 38 ए साइन वेव है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ज, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ए भी, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf, तो 2πf क्या है 60 60 दूनी 120, तो 120π rad/s, ठीक है दोस्तों। 39 व्हेन ए लोड ऑन ए सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ ए नॉर्मल एक्साइटेशन इज इंक्रीज्ड, आर्मेचर करंट ड्रॉन बाय इट इंक्रीज बिकॉज ऑफ नेट रिजल्टेंट वोल्टेज ER इज आर्मेचर इन इंक्रीज्ड। 40 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरर आर डायनेमिक इरर, डायनेमिक इरर वैसा इरर होता है जो इंस्ट्रूमेंट में स्लो रिस्पॉन्स के कारण होता है, इंस्ट्रूमेंट इरर कॉज ड्यू टू स्लो रिस्पॉन्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेजरमेंट लेते हो तो डायनेमिक इरर तभी होता है जब उस रिस्पॉन्स उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो और वो स्लो रिस्पॉन्स दो, जैसे कि मान के चलो आपको एक एमीटर ले लिया, उसे आप करंट मेजरमेंट कर रहे हो तो करंट आपका एक्चुअल में आना चाहिए 0.05, तो आ क्या आ रहा है 0.045, तो कम आ रहा है, तो इसका मतलब जो उसका रिस्पॉन्स है वो बहुत कम है, ठीक है। तो इस टाइप का जितना भी डायनेमिक इरर होता है, इंस्ट्रूमेंट इरर कॉज ड्यू टू स्लो रिस्पॉन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। 41 द माइनॉरिटी कैरियर ऑफ NPN ट्रांजिस्टर आर, तो माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, N क्या है, NPN है, मेजॉरिटी कैरियर N हो जाएगा, माइनॉरिटी क्या होगा P, तो P क्या होता है होल, और इसी क्वेश्चन में दोस्तों अगर PNP रहता और आपसे पूछता द माइनॉरिटी कैरियर ऑफ PNP ट्रांजिस्टर तो आप क्या बोलते, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे N क्या है एक है तो इलेक्ट्रॉन होता। 42 जनरेटर फॉर पीक लोड प्लांट आर यूजुअली डिजाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 50 to 75% ऑफ फुल लोड, जो जनरेटर होता है उसका पीक लोड जो होता है 50 to 75% ऑफ फुल लोड, और ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों वो फुल लोड पे होता है, और जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये पावर ट्रांसफार्मर की मैं बात करूँ, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करो तो 50% ऑफ द फुल लोड करता है, ठीक है। 43 द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करेंट इज CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। वाट मीटर से आप पावर मेजर करते हो, ओम मीटर से आप मेगा ओम रेजिस्टेंस या इंसुलेटर रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हो, एनर्जी मीटर से आप क्या किलो वाट आवर मेजर करते हो, जो हम लोग घर में यूज करते हैं एनर्जी मीटर से किलो वाट आवर यूनिट, कितना इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम हुआ, तो उसको आप मेजर करते हो एनर्जी मीटर से। एनर्जी मीटर भी बहुत टाइप का होता है दोस्तों, जैसे इंडक्शन एनर्जी मीटर जो हम लोग मोस्टली घर में यूज करते हैं, या इंडस्ट्रियल पर्पस यूज करते हैं हैवी इंडस्ट्री में। 44 ए 6 pole 50 hertz 3-phase इंडक्शन मोटर है जो फुल लोड स्पीड ऑफ 950 rpm, एट हाफ लोड इट स्पीड विल बी, तो एट स्पीड क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोग आराम से कर सकते हो। 45 ओवर स्पीड प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर इज डन, तो जो ओवर स्पीड प्रोटेक्शन होता है अल्टरनेटर का इज डन विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, गवर्नर के थ्रू करते हैं दोस्तों। क्या होता है कि अल्टरनेटर जो होता है, जो कोई भी अल्टरनेटर है, ठीक है, वो
जैसे ये अल्टरनेटर है, यहाँ पे एक शाफ्ट के थ्रू, यहाँ पे मान के चलो कोई टरबाइन है, ठीक है, ये टरबाइन से शाफ्ट के थ्रू ये क्या हुआ है, अल्टरनेटर कनेक्टेड है, और यहाँ से स्टीम फ्लो कर रहा है इस टरबाइन पे, इस टरबाइन पे स्टीम फ्लो करेगा, जितना तेज स्टीम होगा तो ये क्या होगा, उतना स्पीड से रोटेट करेगा, तो इसका भी रोटेशन का एक स्पीड लिमिट है कि इतना स्पीड तक रोटेट कर सकता है, इसलिए इस जो यहाँ पे फॉलो जो यहाँ पे स्टीम फ्लो कर रहा है वहाँ पे एक मैकेनिज्म लगा रहता है जिसको गवर्नर बोलते हैं, वो क्या करता है इस अल्टरनेटर के अकॉर्डिंग इसका मैक्सिमम स्पीड कितना उसी अनुसार से स्टीम को अंदर आने देता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ओवर स्पीड प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर इज डन विद द हेल्प ऑफ गवर्नर। 46 क्वेश्चन आप देख सकते हो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करेंट I1, तो I1 आप आराम से निकाल सकते हो दोस्तों अगर आपको नेटवर्क पता है तो, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, तो मैं इस पे एक नेटवर्क पे एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरह नेटवर्क का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कम टाइम है इसलिए मैं सोचता हूँ जितना कम टाइम में आप लोग के पास जितना अच्छा नॉलेज और जितना अच्छा मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को करवा सकूँ। 47 है दोस्तों, इफ़ डब्ल्यू इज़ द एनर्जी इन जूल टी इज़ द टाइम सो देन पावर इक्वल टू, तो पावर क्या होता है दोस्तों, dW/dt यानी वर्क बाय टाइम। SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी सीमेंस पर मीटर, ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है सीमेंस पर मीटर, और ओम मीटर क्या होता है, ओम मीटर आपका, ओम मीटर जो है ये रेसिस्टिविटी का हो गया दोस्तों, रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर, और ये आपका क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी पूछा है कंडक्टिविटी का सीमेंस पर मीटर। सिमिलरली 49 का क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसको भी आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर ओनली AC सिस्टम, दोस्तों AC सिस्टम के लिए हम लोग शेडेड पोल टाइप मोटर यूज करते हैं, ठीक है, व्हिच टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ओनली फॉर AC सिस्टम शेडेड पोल टाइप। विच आर द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग डिप्रिसिएशन चार्ज, तो दोस्तों इसमें सब है, डिमेंसिंग है, स्ट्रेट लाइन है, सिंकिंग फंड है, हेलेज 50-50 फॉर्मूला नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये भी RK राजपूत से ही है दोस्तों, एक बार उसको आप लोग देख लीजिएगा, RK राजपूत इलेक्ट्रिकल का बुक है ऑब्जेक्टिव का। 52 व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द करेंट थ्रू ए प्योर इंडक्टर एंड ए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो करेंट विल लैग बाय 90 डिग्री, इंडक्टर है अगर वही कैपेसिटर रहता तो क्या होता, करेंट लीड करता वोल्टेज का। 53 है द लोड शेयरिंग बिटवीन टू स्टीम ड्राइव ड्रिवन अल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल मे बी एडजस्टेड बाय वेयरिंग द स्टीम सप्लाई टू देयर प्राइम मूवर, द फ्लक्स दैट फॉलो ए पाथ नॉट इंटेंडेड फॉर इट्स नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स, दो जो पाथ वो मैग्नेटिक पाथ उसको फॉलो करना चाहिए, उसको फॉलो नहीं करके वो क्या करता है, एयर के थ्रू इधर उधर फ्लो करने रहता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ लीकेज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। अब सॉल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन है, μ0 = 4.2×10⁻¹ हेनरी मीटर। वोल्ट मीटर कैलिब्रेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियो मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर की बात की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी करें अमीटर करंट को करेगा, CRO क्या करता है, CRO हर चीज़ को मेजरमेंट करता है, करंट को, वोल्टेज को, आपका फेज एंगल को, ये सब मेजर करता है। 57 इन ए सर्किल डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर डायमीटर ऑफ द सर्किल इज डिटरमाइंड बाय टोटल स्टार्टर करंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 58 द इफेक्ट ऑन टू विच ए कंडक्टर कैरी मोर करेंट ऑन ए सर्फेस एज कम्पेयर टू द कोर इज, उसको क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट में क्या होता है, जो सरफेस है, कंडक्टर कैरी मोर करेंट ऑन सर्फेस कम्पेयर टू द कोर इज नोन एज स्किन इफेक्ट। 59 गुड वायर इज यूज टू गिव सपोर्ट टू द टावर, यहाँ पे दोस्तों एक ग्राउंड वायर इज यूज टू गिव सपोर्ट टू ए टावर, या ग्राउंड वायर, या इसी को GUY भी बोलते हैं। 60 है व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट रेजिस्टेंस
क्या होगा, डिक्रीज करता है। अगर आप सेमीकंडक्टर को हीट कर रहे हो, अगर आप कंडक्टर को हीट करोगे, कंडक्टर को, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को अगर आप हीट करोगे तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर को आप हीट करते हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो दोस्तों इस में टोटल 60 क्वेश्चन का मैंने वन बाय वन करके आप लोग को एक्सप्लेन करके बताया हूँ, और नेक्स्ट 60 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।